हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ऑनलाइन ट्यूटर नेचर अरुण। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 15। द चैप्टर इज नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्यास एंड शुंगास, फर्स्ट सेंचुरी BCE टू थर्ड सेंचुरी BCE। नॉर्थ इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे मौर्यास और शुंगास के बाद में, कि उनका कंडीशन क्या रहा, क्या परिवर्तन हुआ नॉर्थ इंडिया में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के बारे में पढ़े थे, और चैप्टर थर्ड में हम लोग पढ़े थे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मौर्यास जो नॉर्थ इंडिया में रूल किए थे और शुंगास, उसके बाद क्या कंडीशन रहा, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर द पावर केम इन टू द हैंड्स ऑफ द शुंगास इन नॉर्थन इंडिया। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन अर्थात समाप्ति के बाद जो पावर था एम्पायर का, साम्राज्य का, वो नॉर्थन में, उत्तर भारत में शुंगास के हाथों में चला गया। There were many invasions from Indo-Greeks, Saks and Pratihars in the north after the fall of the Shungas. और उस समय कई सारे invasions अर्थात आक्रमण हुए, किसके द्वारा, ग्रीस के द्वारा, सक के द्वारा और प्रतिहार्स के द्वारा, इन नॉर्थ आफ्टर द फॉल ऑफ द Shungas। शुंगा का भी जब फाल हो गया था, जो वो अब अंत की तरफ हो गया था। कलिंगा एंड आंध्र प्रदेश बिकेम इंडिपेंडेंट, कलिंग जो था और आंध्र प्रदेश वह स्वतंत्र बन गया। द इन्वेडर्स मेड इंडिया द होम एंड सेटल्ड हियर, और इन्वेडर्स जो आक्रमणकारी थे वे इंडिया को अपना घर बना लिया और यहाँ पर स्थापित हो गया। लेटर दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और उसके बाद वे सभी भारतीय समाज के अंग बन गए। एमोंग इंडो ग्रीक्स द मोस्ट फेमस रूलर वाज मेनांदर मिलिंदा, ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर पंजाब एंड कश्मीर। इंडो ग्रीक्स के जो सबसे फेमस रूलर हुए वह कौन थे, मेनांदर, जिसको मिलिंदा भी कहा जाता था, और वे बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया और एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर पंजाब एंड कश्मीर, पंजाब और कश्मीर पर शासन कर लिया। ही रूल फ्रॉम द प्रोविनेंस ऑफ गंधार, हिज क्वाइंस हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और वह गंधार जो प्रोविनेंस था वहाँ से शासन करने लगा, और उसके द्वारा जो क्वाइंस को चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, वो नॉर्थ इंडिया में पाया गया। अनदर फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज हेलियोडोरस, ही अडॉप्टेड बेस्मनिज्म, ही बिल्ट अ ग्रैंड ध्वज पिलर एट बेस्ट नगर। जो दूसरा इंडो ग्रीक शासक था वह कौन था, हेलियोडोरस था, और वह बेस्मनिज्म को अडॉप्ट कर लिया और वह एक ग्रैंड ध्वज पिलर बनवाया था, कहाँ पर, बेस्ट नगर में। कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडो ग्रीक्स इज मेनी फोल्ड इन द फील्ड्स ऑफ नाट्य शास्त्र, क्वाइन एज, स्कल्पचर्स, फिलोसफी एंड ट्रेड। इंडो ग्रीक का जो कंट्रीब्यूशन था वो विविध क्षेत्रों में था, अनेक क्षेत्रों में था। कुछ एग्जाम्पल के लिए जो दिया गया है वह है नाट्य शास्त्र, क्वाइनेज, मुद्रा का जो इसकाल का रहा है, स्कल्पचर्स, मूर्ति बनाने का, और फिलॉसफी एंड व्यापार। अर्थात द सका सक्स ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, जो सक थे वो मुख्यतः सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। दे डिफीटेड द वैक्टेरियंस ग्रीक्स एंड इंटर्ड इंडिया, और सब क्या किए कि बैक्टेरियंस जो ग्रीक के शासक थे उसको वो हरा देते हैं और फिर इंडिया में प्रवेश करते हैं।
यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है आपको येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, इस सबको आप रिमेम्बर रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। द सकाच गॉट डिवाइडेड इंटू फाइव ब्रांचेस एंड एस्टेब्लिश देयर रूल इन पंजाब एंड अफगानिस्तान। जो सक लोग थे वे पांच ब्रांचेज में डिवाइड हो गए और अपना जो है शासन पंजाब और अफगानिस्तान पर कर लिए। कैपिटल वाज तक्सिला विच इज नाउ नेम्ड एज रावलपिंडी इन पाकिस्तान। और सब क्या किए, अपना जो कैपिटल था, राजधानी था, वो तक्सिला को बनाया जाता है जिसको आज रावलपिंडी कहा जाता है और भी कहाँ है, पाकिस्तान में। इम्पोर्टेंट रूलर्स, अब हम लोग इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में ध्यान देंगे। नंबर वन, रुद्रदामन 132-150 CE, द इडिक्ट इनग्रेवेड ऑन गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ गुजरात प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ रुद्रदामन। जो गिरनार माउंटेन पर, जो जूनागढ़ में है, कहाँ है ये, गुजरात, जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में है, जो पत्थरों पर खुदाई करवाया गया है उसे रुद्रदामन के पीरियड का, उनके काल का पता चलता है। इट शो दैट देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज किंगडम। और उसे ये पता चलता है कि जो रुद्रदामन का पीरियड था, काल था, वो शांति और खुशहाल था। ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज हिम, और उनको एडवाइज अर्थात उनको परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का एक समूह था। ही इशूड सिल्वर क्वाइंस ऑन विच हिज फिगर वाज इनग्रेवेड। और उन्होंने क्या किया, क्वाइंस को इशू किया अर्थात प्रारंभ कराया रुद्रदामन ने, और उस पर अपना चित्र भी उकरवाया अर्थात उस पर बनवाया। ही वाज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज पीपल, और रुद्रदामन अपने लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक इन केतिवार गुजरात इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड इरीगेशन फैसिलिटीज। और रुद्रदामन ने जो सुदर्शन लेक था उसका रिपेयर करवाया, किस लिए, क्योंकि लोगों को, जो उस समय के कृषक थे, उनको वेस्ट एग्रीकल्चर की व्यवस्था मिल सके, उनकी पौधों का सिंचाई हो सके। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, यहाँ इसको येलो कलर से हाईलाइट किया गया है, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है नेम द ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, तो तुरंत इसको हम लोग बताएंगे रुद्रदामन। द रूल ऑफ सका डायनेस्टी केम टू एन एंड आफ्टर 200 ईयर्स इन द 4th century CE। और जो सक डायनेस्टी था वो 200 वर्षों के बाद 4th century में वो इंड के तरफ चला गया। द सकाच रूल वाज फॉलोड बाय प्रतिहार्ष एंड देन बाय द कुशांस। और शक का जो डायनेस्टी था उसको कौन फॉलो किया, प्रतिहार्ष लोग जो हुए थे वे, और कुशान रूलर के हाथों में चला गया। नाउ कुशांस 28-123 CE, अकॉर्डिंग टू चाइनीज हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स कुशांस बिलोंग टू द प्रोविनेंस ऑफ कनेश ऑफ वेस्टर्न चाइना। चाइनीज जो हिस्टोरियंस थे और ट्रेवलर्स थे उसके अनुसार कुशान बिलोंग कहाँ से करता था, कनेश से, जो वेस्टर्न चाइना में, पश्चिमी चाइना में है। देवर नोन एज युची, और उसको, उनको युची कहा जाता था। देवर डिफेटेड बाई द हुंस, और उनको हुड़ों के द्वारा हरा दिया गया, उन पर विजय प्राप्त कर लिया गया, वो शक को हरा दिए। सो दे मूव्ड आउट टुवर्ड्स इंडिया एंड सेटल इन अफगानिस्तान आफ्टर डिफीटिंग द शक्स। और फिर वो इंडिया से मूव करके अर्थात जा करके अफगानिस्तान में अपने आप को सेटल करके जब वो शक पर विजय प्राप्त कर लिए। दे एक्सटेंडेड देयर टेरिटरीज टू सिंध पंजाब एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द गंगेटिक बेसिन। और उसके बाद वह सिंध पंजाब और ग्रेटर पार्ट जो है, जो ग्रेटर पार्ट था गंगेटिक बेसिन का, उस पर अपना साम्राज्य फैला लिया। नेक्स्ट कनिष्का 28-101 CE,
78 से 101 सी तक ही वाज द मोस्ट एबल एंड पावरफुल कुषाण रूलर। कनिष्क जो था वह कुषाण का सबसे एबल और शक्तिशाली शासक था। ही सपोर्टेड बुद्धिज्म होल हार्टेडली, और वह अर्थात कनिष्क जो था वह पूरे मन से बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। मेनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वेयर बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और अपने कार्यकाल में कई सारे मोनास्ट्रीज अर्थात मठ को उन्होंने बनवाया। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन, और कनिष्क के ही रीजन में चौथा जो बौद्धिक काउंसिल हुआ था बौद्धिस्ट का वह उन्हीं के रीजन में हुआ था। ही वाज अ फॉलोअर ऑफ महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के दो ब्रांच होते हैं, महायान और हीनयान। तो कनिष्क जो था वो महायान जो ब्रांच था उसको फॉलो करने वाला था। महायान क्या है? तो महायान वैसे लोग होते हैं जो बुद्ध भगवान को, बुद्ध को मानते हैं कि वो गॉड है और उनको वैसे ही पूजा करते हैं। लेकिन जो हीनयान हैं वह बुद्ध को एक गाइड मानते हैं, एक टीचर मानते हैं, न कि उनको वो गॉड मानते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि बौद्ध के दो तरह के फॉलोअर होते हैं, महायान और हीनयान। कनिष्का वाज अ ग्रेट लवर एंड पैट्रॉन ऑफ लर्निंग। कनिष्का एक बहुत ही महान शासक हुआ, किस चीज़ का? सीखने के कला में। वो उसके अंदर सीखने की जो कला थी वो बहुत ही तीव्र थी। ही प्रोपगेटेड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, साइंस एक्सेट्रा। और कनिष्क जो है अपने सीखने के क्षेत्र में वो कई सारे लैंग्वेज को, भाषा को प्रोपगेट करवाया, प्रचार करवाया, जैसे संस्कृत लैंग्वेज को, लिटरेचर को, आर्ट को, आर्किटेक्चर को, स्कल्पचर को, साइंस को, इस क्षेत्र में वो बहुत ही विकास करवाया। मथुरा, सारनाथ, अमरावती एंड गंधार वर द मेन सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। और मथुरा था, अमरावती था, गंधार था, ये मेन सेंटर था डेवलपमेंट का उस समय आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का, अर्थात कला का, शिल्प का, मूर्तिकला का। ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट स्कॉलर, और स्वयं वह एक महान विद्वान था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का अश्वघोष रोट एन इपिक बुद्ध चरित्र इन संस्कृत, और कनिष्क के पीरियड में ही अश्वघोष ने एक इपिक अर्थात एक ग्रंथ लिखा जिसको बुद्ध चरित्र कहा गया है, वो संस्कृत में लिखा गया। कनिष्का इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फाइन क्वाइंस, और कनिष्का को अच्छे क्वाइंस के लिए भी जाना जाता है, बहुत ही अच्छी क्वाइंस उनके द्वारा जारी करवाया गया था। ही स्टार्टेड द शक एरा इन शी इज 28। दिस एरा इज नाउ यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज नेशनल एरा, और कनिष्क के द्वारा ही शक एरा प्रारंभ कराया गया 28 में। लेटर ऑन द कुषाण्स एडॉप्टेड हिंदुज्म, और उसके बाद कुषाण ने क्या कर लिया, हिंदुज्म को एडॉप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। द लास्ट कुषाण रूलर इन इंडिया वाज वासुदेव, और इंडिया में जो लास्ट रूलर हुए वह कौन हुए, वासुदेव। नाउ डू यू नो द इंडियन नेशनल कैलेंडर समटाइम्स कॉल्ड द सब कैलेंडर इज द ऑफिशियल कैलेंडर इन यूज इन इंडिया। जो नेशनल कैलेंडर है भारत का उसको सक कैलेंडर भी कहा जाता है। इफेक्ट्स ऑफ कंटेक्ट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ इंडिया, क्या प्रभाव पड़ा सेंट्रल एशिया और नॉर्थ इंडिया पर जब एक दूसरे से वो कंटेक्ट हुए, तो इसको हम लोग देखते हैं। द कंटेक्ट विथ द ग्रीक्स शकास प्रतिहांस एंड कुषाण्स मेड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। कुषाण, ग्रीक्स, शक, प्रतिहास, इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डाला गया जो भारतीय समाज था। टिल देन इंडियंस वर यूजिंग अनस्टिचेस
क्लॉथ्स। और उस समय भारतीय लोग जो है बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे। द कुशांस इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ स्टिचेस क्लॉथ्स लाइक लॉन्ग कोट्स एंड लॉन्ग बूट्स ट्राउजर्स एंड ट्यूनिक्स। कुशान ने ही इंडियंस को इंट्रोड्यूस कराया अर्थात परिचय कराया लॉन्ग कोट्स लॉन्ग बूट्स अर्थात सूट से कोट से ट्राउजर से और ट्यूनिक्स से। ट्यूनिक्स क्या होता है? जो बिना बांह का कुर्ता या जैकेट्स जिसको कहा जाता है। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ हेलमेट्स। जो हेलमेट्स आज हम लोग यूज करते हैं ये कुशान के द्वारा ही हम लोगों को परिचय कराया गया था तो भारतीय को कराया गया था। दे अडॉप्टेड इंडियन रिलीजन एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और वह धीरे धीरे भारतीय रिलीजन में अपने आप को मिला लिए और हमारे समाज में मिल गए। कुशांस वेयर एक्सेप्टेड एज द क्षत्रियाज एंड दे वर्शिपेड शिवा एंड विष्णु। और कुशांस के द्वारा ऐसा एक्सेप्ट कर लिया गया कि वे क्षत्रिय हैं और वे शिव को और विष्णु को पूजा करने लगे। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड आवर आर्ट ऑफ क्वाइनेज। जो हमारा क्वाइनेज का आर्ट था कला था उसको भी वो प्रभावित किया। दे वर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू राउंड शेप्ड क्वाइंस विथ इमेज ऑन बोथ द साइड्स। और कुशान ही पहला रूलर्स हुए जो इंट्रोड्यूस किया अर्थात परिचय कराए राउंड शेप में क्वाइंस का। पहले जो क्वाइंस आता था वह राउंड शेप में नहीं होता था, स्क्वायर में होता था या रेक्टेंगल होता था, लेकिन वहीं उसको इंट्रोड्यूस कराया और बोथ साइड दोनों साइड में उस पर चित्र भी बनवाया गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर कला और स्थापत्य कला। द कंटेक्ट विथ ग्रीक्स सकाज प्रतिहांस एंड कुशांस मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। जब कंटेक्ट हुआ किसे? ग्रीक से, शक से, प्रतिहान से और कुशान से, तो जो हमारी स्थापत्य कला है भारत का उस पर भी प्रभाव डाला। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी पीरियड में जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था ये डेवलप हुआ अर्थात उसका विकास हुआ। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स वॉज ऑल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड। जो स्कल्पचर का आर्ट था अर्थात मूर्तिकला का जो व्यवस्था था वो भी काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस हुआ प्रभावित हुआ। देयर सब्जेक्ट्स वेयर इंडियन बट ग्रीक इन स्टाइल हेयर एंड फेस। उनका जो सब्जेक्ट था इंडियन था बट स्टाइल जो था ग्रीक था। द ग्रीक्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ अवनिका कॉटन ऑन द स्टेज। जो ग्रीक का कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर अर्थात जो हमारा थिएटर होता था नाट्यशाला, तो उसमें कॉटन का यूज अवनिका जिसको कहा जाता था स्टेज पर लगता है, आप देखते भी हैं जो पर्दा लगता है, तो उसका इंट्रोडक्शन कौन कराया? इंडियंस को। तो ये ग्रीक्स के द्वारा कराया गया। लुक एट द टू इमेज ऑफ बुधा एंड फाइंड आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन टू स्कूल ऑफ आर्ट। ये दो स्कूल ऑफ आर्ट का स्टेचू है, मूर्ति बनाया गया है, इसमें हमें यह देखना है कि इसमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। अगर हम दोनों तस्वीर को देखते हैं तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि जो फर्स्ट तस्वीर है इसमें जो कला है दूसरे कला से थोड़ा जो है शार्प है अर्थात इसमें थोड़ा कला का जो वर्क किया गया है वो अच्छी तरीके से किया गया है, और जो राइट साइड में जो है उसमें थोड़ा उतना कलाकारी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है डिफरेंसेस है, इनमें कई सारी समानताएं हैं, स्पष्ट जो है बुधा के बारे में इसमें शो किया गया दिखाया गया। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी। इंडियंस अपडेटेड देयर नॉलेज इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। द टर्म होरोस्कोप हैज बीन ड्राइव फॉर्म ऑफ ग्रीक टर्म होर शास्त्रा। इंडियंस अपडेटेड देयर नॉलेज अर्थात भारतीय अपने नॉलेज को अपडेट किए किस चीज़ में?
एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में और होरोस्कोप जन्म कुंडली वगैरह के बारे में। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड में, इसी काल में लेदर का शूज भी बनाना प्रारंभ किया गया। रेड पोटरी एंड यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स ऑल्सो बिकेम पॉपुलर, और जो लाल पोटरी अर्थात बर्न का यूज होने लगा, बर्न्ड ब्रिक्स अर्थात पका हुआ ईंटे की उपयोग होने लगा, इस समय काफ़ी पॉपुलर हो गया। गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया वेयर मेड बाई द कुसान्स यूजिंग रोमन स्टाइल, और गोल्ड क्वाइंस अर्थात सोने की भी मुद्रा कुसान के द्वारा रोमन स्टाइल में उसको यूज किया गया। ग्लास वर्क वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई देम, और उनके द्वारा ग्लास वर्क अर्थात जो शीशे का वर्क रहा उसको भी उन्हीं के द्वारा अर्थात कुसान्स के द्वारा हमें इंट्रोड्यूस कराया गया या उसके बारे में बताया गया। नाउ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, देयर वॉज गिव एंड टेक बिटवीन इंडियन लैंग्वेज ग्रीक एंड अदर लैंग्वेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उस पीरियड में एक ऐसा व्यवस्था था कि गिव अर्थात दीजिए और टेक लीजिए, किसके बीच में, भारत के बाद भारत, ग्रीक और अदर लैंग्वेज के बीच में ऐसा ही एक संबंध था कि आप हमसे कुछ सीखिए और मैं आपसे कुछ सीखूंगा। वी हैव एडॉप्टेड मेनी वर्ड्स फ्रॉम देम, एग्जाम्पल होरा, कलमा, प्लेग, सुरंग एक्सेट्रा, ये कई सारे वर्ड जो है एडॉप्ट किया गया। द ग्रीक्स ऑल्सो एडॉप्टेड मेनी संस्कृत वर्ड्स, और ग्रीक ने भी कई सारे संस्कृत वर्ड को एडॉप्ट किया, जैसे कारपाच, सारकारा, वैदूरा एक्सेट्रा। द नोटेड स्कॉलर पतंजलि अर्न्ड ग्रेट फेम फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स लैंग्वेज एंड ग्रामर, पतंजलि के द्वारा जो लैंग्वेज ग्रामर या डिफरेंट वर्ड्स को इवोल्यूशन किया गया उसके लिए उनको काफ़ी प्रतिष्ठा मिला, नेम एंड फेम मिला। ही ऑल्सो रोट महाभाष्य ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड में पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया। विच इज अ ग्रेट स्टडी ऑन एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर, जो एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स अर्थात जो वर्ड्स है उसके मूल्यांकन और ग्रामर के बारे में एक बहुत ही सुंदर बुक है महाभाष्य। नाउ कीवर्ड्स, यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिया गया है इसको भी आप लोग रिमेंबर करेंगे, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एवोल्यूशन, हिस्टोरियंस एंड मोनास्ट्री, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर का, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। समथिंग टू नो, ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। सकाज ओरिजिनली बिलोंग टू, शक्य मुख्यतः कहाँ से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर होगा सेंट्रल एशिया, बी। अदर ऑप्शंस आर अफगानिस्तान, इराक, डी यूरोप, तो इसका राइट आंसर होगा बी, टिक किया हुआ है। सेकेंड, एडिक्ट ऑन गिरनार माउंटेन इज इन, जो गिरनार माउंटेन पर एडिक्ट था वो कहाँ था, तो जूनागढ़ में था, बी। अदर ऑप्शंस आर सूरत, रोहतक एंड सौराष्ट्र, तो इसका आंसर होगा बी। थर्ड, कुसान्स वेयर डिफीटेड बाय ए सकाज, बी प्रतिहांस, सी होन्स, डी चोलाज, तो ये होगा होन्स। फोर्थ, द यूज ऑफ हेलमेट्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, हेलमेट का इंट्रोड्यूस कौन किया था, तो ये हम लोग जानते हैं कौन, द कुसान्स। जो अदर ऑप्शन है द ग्रीक्स, द सकाज, द प्रतिहांस, तो इसका राइट आंसर होगा डी, द कुसान्स। फिफ्थ, द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट मेड इमेज ऑफ ओनली, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है किसका मात्र चित्र को बनाता था, ए शिवा, बी विष्णु, सी जैन थिंकर्स एंड डी गौतम बुद्ध, तो वह था कौन सा, डी गौतम बुद्ध का, केवल तस्वीर को बनाते थे। बी फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर वन, ग्रीन ध्वज पिलर वाज बिल्ट एट बेसनगर बाई हेलियोडोरस,
जो ग्रैंड ध्वज पिलर था वो बेसनगर में बनाया गया, किसके द्वारा? हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया। सेकेंड, कनिष्का वाज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर, सबसे फेमस रूलर कुषाण का कौन हुआ? तो कनिष्क। थर्ड, स्टिचेज क्लॉथ्स एंड लॉन्ग बोर्ड्स वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय कुषाण। फोर्थ, ग्रीक्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, ग्रीक्स का जो कंट्रीब्यूशन था वह डेवलप किया किसको? इंडियन थिएटर को। फिफ्थ, कनिष्का वाज द फॉलोअर ऑफ, कनिष्का किसका फॉलोअर था? तो महायान ब्रांच ऑफ बौद्धिज्म का था। नाउ सी मैच द फॉलोइंग, मेनांदर ये कौन थे? तो इंडो ग्रीक थे। ई, शक एरा, इसका आंसर क्या होगा? सी नेशनल एरा जिसको कहा जाता है। हेलियोडोरस, इसका आंसर होगा डी बैसनिज को इन्होंने फॉलो किया। अवनिका जो फोर्थ नंबर पर है, तो इसका ये क्या है? ये थिएटर में यूज किया जाता था। और लास्ट फिफ्थ नंबर पतंजलि, तो इसका आंसर होगा बी महाभास। पतंजलि के द्वारा क्या लिखा गया? महाभास लिखा गया। इस प्रकार से इस चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव ही करा दिया गया है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।